हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेएसएससी सहायक आचार्य की जो परीक्षा हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि इस पे सरकार बहुत जल्द ही जो है आपको एक्शन लेते हुए दिखेगी। देखो, हेमंत सोरेन जेल में थे, उसके बाद देखो हुआ क्या। हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलते हैं एंड आफ्टर दैट चंपई सोरेन को क्या कर दिया जाता है, इनको इस्तीफा दे दिया जाता है और बोला फिर से जो है हेमंत सोरेन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड बन जाते हैं। आफ्टर दैट पीजीटी की, देखिए सब कुछ निकल गया था, पीजीटी की जो है होर्डिंग वगैरह लग चुके थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापे गए थे, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट भी जो है पहले पेज पे बड़ा बड़ा दिया गया था। उसके बाद जो है चंपई सोरेन को हटा दिया गया और पीजीटी के ज्वाइनिंग डेट को चेंज करके हेमंत सोरेन की वाहवाही लुटवाने के लिए जो है हेमंत सोरेन के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र दी गई है। तो हेमंत सोरेन अब जो है चाहते हैं कि फिर से ये झारखंड के सीएम बन जाए और इलेक्शन जीत जाए, इसके लिए ये जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग जो खबर है सहायक आचार्य की, जो ज्वाइनिंग कब होगी, रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, किस महीने ज्वाइनिंग हो जाएगी और डॉक्यूमेंट तैयार करना है आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और तीन में से जो एक लोगों को नौकरी मिलने वाली बात यहाँ मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधे जो है लेकर चलता हूँ ये नोटिफिकेशन की ओर। और देखिए एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सूरज मंडल जी को आप लोग जानते होंगे, सूरज मंडल जी की वजह से ही जितने सीटेट के कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म को भर पाया, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो वो जो है अभी आप लोगों की मदद की जरूरत है उन्हें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है कल ही सुनवाई होने वाली है और जो जेटेट 16 और 12 वाले बच्चे हैं उन्होंने बड़े बड़े वकील जैसे मुकुल रोहतगी वगैरह को जो है हायर करने की जो है सोच रखी है। तो बड़े बड़े वकीलों की बड़े बड़े फीस होते हैं, तो अगर आपकी स्वेच्छा से जो भी चंदा बन पड़ता है, एक वीडियो अलग से आएगी, तो प्लीज़ उनको कुछ आप जो है राशि डोनेट करेंगे। सीटेट के बच्चे को पता होना चाहिए, लड़कियों को पता हो या नहीं हो, लेकिन लड़कों को तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि, और बहुत सारे लड़कियों को भी पता होगा इसके बारे में कि सीटेट की जो है यहाँ पे वैलिडिटी नहीं थी। जो हाईकोर्ट रांची है वहाँ से जो है हम लोगों ने केस लड़ा और फिर हम लोगों को जीत मिली है। तो आप लोग सूरज जी को सपोर्ट जरूर करें, ज़्यादा लोग सामने आएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग केस जीतेंगे भी और नौकरी भी यहाँ पे लेंगे। तो खैर यहाँ से देख लीजिए, जो मैंने एक एक बात बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पहले आप देख लो, यह नियुक्ति की जो है अगस्त सेप्टेम्बर में, यानी कि अगले महीने तक। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए जेएसएससी को जो है दो रिजल्ट तैयार करने के लिए जो है बोला जाएगा, याद रखिएगा, एक विथ सीटेट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें दिखे यहां पे, ठीक है। एक जो सबसे पहले क्या तैयार करने वाले हैं, एक देखो ये तैयार करेंगे, एक मिनट ये कलर चेंज हुआ क्यों नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो, ये जो है विदाउट जो है सीटेट को यहां पे इंक्लूड किए हुए, ओनली जेटेट का ये रिजल्ट निकालेंगे, पहला रिजल्ट ये होगा। दूसरा ये होगा कि जेटेट और सीटेट दोनों शामिल होंगे और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये हुई पहली बात जिसमें जो है रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट बहुत जल्द, मैं बता रहा हूँ 15 से 20 दिनों में जो है जेएसएससी के द्वारा जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सारे लोगों का खत्म हो उसके बाद 20 से 25 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ज्वाइनिंग के लिए देखो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, रिजल्ट के ठीक बाद लोगों को ज्वाइन कर लिया जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आता है 10 से 15 दिनों में आपको जो है ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, अगर आप अच्छे से एग्जाम दे रहे हो, डेफिनेटली आप अच्छे से ही एग्जाम दे रहे होगे, तो डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके रखें, सेल्फ अटेस्टेड वगैरह सब कुछ, आप डॉक्यूमेंट की 2-4 फोटो कॉपीज वगैरह जो है सेट तैयार करके रखोगे, रिजल्ट के बाद आपको ये भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड जरूर रख लें, आधार कार्ड वहाँ मांगा जाएगा तो ओरिजिनल आधार कार्ड रखना है आपको, पहली बात। अगर एड्रेस वगैरह का कुछ भी इशू है तो प्लीज़ पहले ही चेंज करा लेना है आपको। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट में वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मैं पहले भी जा चुका हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपने डेटा एंट्री की है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, आपके पिताजी का नाम हो, आपका नाम हो, आपकी माताजी का नाम हो, परसेंटेज हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सारे चीज़ों को वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। तो जो आपने डेटा दिया है वो डेटा मैट्रिक, और एक और बात, जो ये सारा पप्पा मम्मी या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ जो है आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। अब देखिए तीन में से एक लोगों को नौकरी मिलेगी, ऐसा मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे थंबनेल पे, क्या ये क्लिकबेट है? तो बिल्कुल नहीं, ये क्लिकबेट नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहली बात ये है कि तीन में से एक लोगों को नौकरी इसलिए मिलने वाली है क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे जो 6 to 8 के लिए, फिर से कलर चेंज करना होगा, आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, देखो यहाँ पे 6 to 8 के लिए जो है कितने लोगों ने अप्लाई किया ये जानना बहुत ज़रूरी है। और 6 to 8 के लिए लगभग 15,000 यहाँ पे जो है सीट है और लगभग जो है 60,000 के आसपास जो है 55,000 के आसपास लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था। तो 4 में से 1 लोगों का रेशियो बनता है 4:1। अब इसमें से मैं आपको बताऊँ, मैं जब पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहा था रांची में, तो मेरे सीट के बगल में
दो राइट साइड में दो सीटें थी, लेफ्ट साइड में दो सीटें, और मैंने रूम में काउंट किया तो टोटल 15 बच्चे एबसेंट थे मेरे ही सेंटर से, मेरे सेंटर के मेरे वाले हॉल में 15 बच्चे एबसेंट थे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो रेशियो होने वाला है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये 45K के आसपास है। 45,000 बच्चे में से जो है 15,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। अगर आपने रेशियो पढ़ रखा है तो ऑब्वियस ही बात है ये जो है 3:1 में बदल जाएगा, यानी कि 3 में से किसी एक की जॉब लगनी तय है। ये जो है ये गारंटी वाली बात है, ठीक है। अब देखिए ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी भी करेगा, ये मत आप अब देखो जॉब नहीं लगा, अब 3 दोस्त में से किसी एक का जॉब नहीं लगा तो आप मेरे ऊपर चढ़ जाओगे, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसका सीधा सीधा रीज़न है कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग से वैकेंसी आई हुई है, तो ऐसे में वैकेंसी के आधार पर जो है चीज़ें देखी जाएगी, ये आप याद रखना। ये पहली बात है, जो सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में देखो सबसे कम जो कंपटीशन है वो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश में, संस्कृत में आपको जो है कम, लैंग्वेज टीचर में जो है संस्कृत में आपको कम जो है यहाँ पे जो है कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पीसीएम सब्जेक्ट या फिर जेडबीसी वाले सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे पीसीएम वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जेडबीसी यानी कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको जो है थोड़ा कम देखने को मिलेगा। एसएसटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन एसएसटी और पीसीएम वाले ग्रुप में होगा। अगर एसएसटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन यही रहने वाला है, सबसे ज़्यादा एसएसटी में ये जो है कंपटीशन आपका रहने वाला है। अब न्यूज़ थोड़ा देख लेते हैं ताकि चीज़ों की समझ में आपको जो है बातें आ जाए। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की कार्यरत और रिक्त पदों की संख्या स्कूली साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से मांगी है। फिर से जो है ये मांग रहे हैं ताकि ज्वाइनिंग के समय कहां पर किसको भर्ती कराई जाएगी, इसके बारे में ये जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। 1 अगस्त के आधार पर पदों की संख्या मांगी गई है कि 1 अगस्त तक कौन से टीचर रिटायर कर गए हैं, कौन से टीचर ने जॉब छोड़ दी है और कितनी वैकेंसी आपके यहाँ है। इसके बाद जो है एक्चुअली क्या है, एक और बात आपको पता होना चाहिए कि अभी झारखंड में जो है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर रूटीन जो रेगुलेशन है वो लागू कर दिया गया है, शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ऐसे में ये जब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी ना, आफ्टर दैट जो भी वैकेंसीज बचेगी उसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी। आगे देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला खबर है जो सहायक आचार्य की नियुक्ति वाली खबर है, ये आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में रिक्तियों के आधार पर जो सहायक आचार्य की नियुक्ति है ये होने वाली है। यह नियुक्ति अगस्त और सितंबर में होगा, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में कभी भी, आई रिपीट, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सरकार बहुत रैपिडली जो है चीज़ों को डील कर रही है। आगे देखिए, जिला और शिक्षा विभाग को पहले से ही पता रहा होगा कि किस जिले में किस विषय पर कितने पद खाली हैं, तो इससे स्कूल का आवंटन शिक्षक के पदों के अनुकूल किया जाएगा। जैसे कि एसएसटी के लिए जहां कहां पर कितने पोस्ट वैकेंट है उसके आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए बात ये भी आ जाता है कि आपने जो 24 जिले भरे थे वरीयता के आधार पर, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आपका नंबर अच्छा आता है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगा। लड़कियों के लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी, यहाँ पे लड़कियों को होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए जो है थोड़ी सी अप्रोच ज़्यादा रखी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके रख लें आप लोग, नौकरी लगने वाली है आप लोगों की, सभी लोगों की नहीं लगेगी ऑब्वियस बात है, मैं बिटर ट्रूथ बोलता हूँ, लेकिन 3:1 में जो है 6:8 में जॉब लगने वाली है, और 1:5 में तो और भी खराब हालत है, वहाँ पे बहुत कम लोग, एक्चुअली क्या है ना सीट भी वैकेंट यहाँ पे रह सकता है, और आपको भी पता है पारा शिक्षक वाले में जो है सीट वैकेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो खैर जो भी इसके बारे में और भी अपडेट आएगी उसकी सूचना आपको समय रहते मिलेगी। बाय द वे जिनका पेपर 3 है वो जाकर वीडियोज देख लें, चेकआउट कर लें, करंट अफेयर्स की वीडियो, जीके की वीडियोज फटाफट चैनल पर आ रही है, उन जाकर वीडियोज को चेकआउट कर लें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, लाइक करें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।